नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र में बीते महीने भर से चल रहा राजनीतिक ड्रामा अब खत्म हुआ है और उद्धव ठाकरे राज्य के नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना कई मायनों में ऐतिहासिक है और ये कैसे है और कैसी होगी ठाकरे सरकार, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जिस सरकार के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो एक तिकड़ी सरकार है, यानी कि तीन पार्टियों की सरकार। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ये तीनों पार्टियां एक साथ आई हैं महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए। शिवसेना के पास में 56 विधायक हैं, एनसीपी के पास में 54 विधायक हैं और कांग्रेस के पास में 44 विधायक हैं। और इस तरह से इन तीनों ही पार्टियों को मिलाकर उद्धव ठाकरे को विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा मिल जाता है, यानी कि जो 145 बहुमत का आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे के पास में हैं। उद्धव ठाकरे की ओर से राज्यपाल को जब सरकार बनाने के दावे का पत्र सौंपा गया तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि कुल 166 सीटें उनके पास में हैं, यानी कि इन तीनों ही पार्टियों के अलावा छोटे दल और इसके साथ साथ निर्दलीय विधायक भी उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना तीन कारणों से ऐतिहासिक है। पहला कारण यह है कि ठाकरे परिवार से कोई सदस्य पहली बार किसी संवैधानिक पद पर जा रहा है। उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे ने ये कसम खा रखी थी कि ना कभी वो कोई चुनाव लड़ेंगे और ना ही कोई सरकारी पद हासिल करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि 1995 के बाद पहली बार शिवसेना का कोई नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। 1995 में मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे और उसी कार्यकाल में नारायण डाने बने। तीसरी अहम बात कि शिवसेना ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है जो कि उसकी विपरीत विचारधारा की हैं। शिवसेना की इमेज एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही है, जबकि बाकी दोनों पार्टियां अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताती हैं। इस नई सरकार में जहां उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे तो वहीं पर उनके नीचे दो उपमुख्यमंत्री होंगे। एक उपमुख्यमंत्री एनसीपी का होगा और एक कांग्रेस का। इसके अलावा मंत्रिपद का बंटवारा इस तरह से होगा, जिसके पास में ज्यादा सीटें हैं यानी जिस पार्टी के पास ज्यादा विधायक हैं उसको ज्यादा मंत्रिपद मिलेंगे और जिसके पास कम हैं उन्हें कम मंत्रिपद दिए जाएंगे। इस लिहाज से शिवसेना को सबसे ज्यादा मंत्रिपद मिलने वाले हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है एनसीपी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस। 1995 में जो शिवसेना का मुख्यमंत्री बना था तो उसका रिमोट कंट्रोल था मातोश्री में, यानी कि बाला साहेब ठाकरे के हाथ में। लेकिन इस सरकार का मुख्यमंत्री, हालांकि इस बार भी शिवसेना का ही मुख्यमंत्री है, लेकिन इस बार सरकार का रिमोट कंट्रोल होगा सिल्वर ओक में, जहां पर कि शरद पवार रहते हैं, क्योंकि ये सरकार भी आखिर शरद पवार ने ही बनवाई है। 24 अक्टूबर को जब नतीजे आए उसके बाद से लगातार शरद पवार की ओर से शिवसेना को यह संदेश भेजा जा रहा था कि अगर शिवसेना चाहे तो अपना मुख्यमंत्री बनवा सकती है, एनसीपी की मदद से वो सरकार बना सकती है और इसके लिए कांग्रेस का समर्थन जुटाने में एनसीपी मदद करेगी। और आखिरकार हुआ भी वैसा। बीजेपी से अलग हटकर शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ में मिलकर सरकार बनाई, लेकिन इन तीनों ही पार्टियों को एक लाने वाले शरद पवार ही थे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन वो दोनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य नहीं है। ना तो वो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं। संवैधानिक तौर पर ये जरूरी है कि मुख्यमंत्री को किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। ऐसे में 6 महीने के भीतर उद्धव ठाकरे को या तो विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक बनना पड़ेगा या फिर विधान परिषद का चुनाव लड़ना होगा और इन दोनों में से किसी एक हाउस का उन्हें सदस्य बनना होगा। वैसे तीन पार्टियों की ये सरकार कितनी टिक पाएगी इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि ये तीन पहियों की सरकार है और इसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तीनों पार्टियों के बीच आगे चलकर विचारधारा के टकराव की तो आशंका है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आशंका जताई जा रही है कि अगर बीजेपी को मौका मिला तो वो फिर से सेंधमारी करने से नहीं चुकेगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।